नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल 2022 के अंदर रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर के बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। हर ज्योतिषविद का एक अपना अलग अलग मत है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाए। कुछ ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि पूर्णिमा के अनुसार रक्षाबंधन जो है वो 11 अगस्त को ही मनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि 11 अगस्त को भद्रकाल है तो उस समय के अंदर रक्षाबंधन मनाना वर्जित है। आज हम अपनी वीडियो में इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे कि भद्रकाल है क्या, इस समय के अंदर क्यों नहीं रक्षाबंधन मनाना चाहिए, और साथ ही अगर रक्षाबंधन हमें मनाना है तो 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को। दर्शकों, रक्षाबंधन का हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत विशेष महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिसके बदले भाई उनको उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट देते हैं। इस रक्षाबंधन का मतलब क्या है कि बहनें अपने भाई से कामना करती हैं कि वो उनकी हर पड़ाव पर जीवन में रक्षा करेंगे, और साथ में भाई भी उनको कुछ उपहार स्वरूप इसलिए देते हैं ताकि बहन जो है उनकी लंबी आयु की कामना करे और साथ में भाई बहन के रिश्ते में एक अटूट विश्वास, एक बंधन बंधा रहे। दर्शकों, इस साल 11 अगस्त को 10:37 से लेकर के और अगले दिन 7:18 तक पूर्णिमा रहेगी, लेकिन प्रातःकाल 10:37 से लेकर और सायंकाल 8:50 तक भद्राकाल रहेगा। दर्शकों, ये भद्राकाल है क्या? सर्वप्रथम तो आप ये जान लीजिए, भद्रा है कौन? भद्रा जो कि माता छाया की पुत्री और शनि की बहन। भद्रा को इतना शुभ क्यों माना गया है? क्योंकि जिस समय भद्रा का जन्म हुआ, उस समय भद्रा के जन्म होते ही सृष्टि के अंदर हाहाकार मच गई। भद्रा जहाँ कहीं भी जाती, जहाँ कहीं भी शुभ कार्य होता, वहाँ पर जाकर भद्रा तबाही मचा देती, तो भद्रा को अशुभ माना गया। तब ब्रह्मा के आग्रह पर भद्रा को एक निश्चित समय दिया गया कि आप इस समय के अंदर अगर कोई इंसान शुभ कार्य करता है तो आप वहाँ पर जाकर तबाही मचा सकते हो, लेकिन पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा सारा पैसा नहीं कर सकती। तो इसी को भद्रा काल का नाम दिया गया है। रावण ने भी भद्रा काल के अंदर अपनी बहन से राखी बंधवाई, एक साल के अंदर ही आप लोगों को बताया कि रावण का विनाश हो गया। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि भद्रा काल के अंदर राखी नहीं बंधवानी चाहिए। लेकिन अगर हम भद्रा काल के अंदर राखी ना बंधवाएं तो राखी बंधवाएं कब? कुछ ज्योतिष विद्वानों ने अपना मत दिया कि राखी बंधवाने का जो समय है वो पूर्णिमा का दिन ही निश्चित किया गया है पंचांग के अनुसार। और पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? 11 अगस्त को या 12 अगस्त को। अब चंद्रमा की जो रात होती है, चंद्रमा जिस रात में पूर्णिमा होती है, जिस रात में चंद्रमा होता है, तो उसको ही पूर्णिमा माना जाता है। लेकिन मैंने बताया आपको कि 10:37 से लेकर अगले दिन 7:18 तक पूर्णिमा है, तो इसके अनुसार तो जो रात्रि का चंद्रमा हुआ वो 11 अगस्त को हो गया। तो पंचांग के अनुसार तो हमें जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है वो 11 अगस्त को ही मनाना है, लेकिन कुछ ज्योतिष विद्वानों ने कहा कि यह त्यौहार भद्रा काल में नहीं मनाना है। तो आप लोग कोशिश क्या करें कि भद्रा काल की समाप्ति के पश्चात, यानी कि 11 अगस्त को जो भद्रा काल समाप्त हो रहा है वो हो जाता है 8:50 पर। तो आप कोशिश कीजिए 8:51 से लेकर और 9:14 के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए 11 अगस्त को, अगर आपसे संभव है। अगर आपको लगता है कि आपके भाई बाहर रहते हैं, आपको जाना है, यात्रा करनी है, तो आपने कोशिश क्या करनी है, फिर इस त्यौहार को अगले दिन 7:18 तक मना लेना है, या जो उदय तिथि आएगी यानी कि 12 अगस्त की, उस दिन भी आप पूरा दिन इस त्यौहार को मना सकते हो अच्छा मुहूर्त देख करके। और प्रिय साथियों, कोशिश क्या करनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूर्णिमा के दिन भद्रा काल लग रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इस दिन पर 11 अगस्त को या 12 अगस्त को जब भी बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे तो भाई या बहन दोनों ही किसी भी प्रकार का काला वस्त्र ना पहने। काला वस्त्र क्योंकि भद्रा का जो रंग है वो काला रंग है, और काले रंग को भी इस समय अशुभ माना गया है। अच्छे से आप त्यौहार को एंजॉय के साथ आप त्यौहार को मनाएं और भद्रा काल को टाल करके इस त्यौहार का आप एंजॉय करें। इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। जय श्री बालाजी महाराज।